में चार अलग अलग डायरेक्शन से एंट्री है, तो हर दिशा से आप एंट्री कर सकते हैं। हम जो आए हैं मेन रोड की तरफ से आए हैं, अभी टाइम हो चुका है, 10 मिनट बचे हैं। पार्क के बारे में कुछ नियम कानून उनको आप पढ़ सकते हैं। पे जो गार्ड साहब खड़े हुए थे उनसे मैंने थोड़ा कुछ पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पे टाइमिंग में कुछ चेंजेस हुआ है। एंट्री टाइमिंग वही है, 6 बजे से लेके 11:30 बजे तक यहाँ एंट्री अंदर जाने देते हैं, 12 बजे एग्जैक्ट नहीं जाने देते क्योंकि 12 बजे पार्क को पूरा खाली कराना रहता है। और दूसरा, लेजर लाइट शो जो 6 बजे होता था यहाँ पे, अभी उसका टाइम चेंज करके 8 बजे कर दिया है क्योंकि 6 बजे मोस्टली लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते, जिनको ऑफिस जाना है वो थोड़े लेट ही रहते हैं। ये पार्क का मेन व्यू जो मेन रोड की तरफ से है, वेद वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप फोटोशूट करा सकते हैं। तो आज का दिन हमारा वैसे तो बढ़िया ही गया। पार्क की कुछ कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ऐसे आप मेन रोड से देख सकते हैं। और ये मान लो यहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, या ये एंट्री गेट है, कभी ज़्यादा क्राउड रहता होगा तब इसको ये ओपन करते होंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो फाइनली आ चुके हैं हम सेक्टर 78 वेद वन पार्क में। ये देखो पीछे एक ऋषि मुनि को बहुत अच्छे से कलाकृति किया हुआ है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे गार्डन में जो है पानी डालने के लिए इन्होंने बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। देखो फुहारे हैं और ये ऑटोमेटिक पूरे पार्क में जो है पानी का छिड़काव करते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आप स्विच ऑन कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पहुँचने में हो गए थोड़ा सा लेट क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे क्लोज हो जाता है, गार्ड आएंगे और आपको यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे। और इवनिंग में शुरू हो जाता है 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। तो यहाँ आज है मंडे, कल हम आ नहीं पाए थे। वैसे तो हम सेक्टर ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में ही थे, लेकिन जहाँ हम आए हुए थे फ्रेंड से मिलने, गपशप इतनी ज़्यादा हुई, कई साल बाद मुलाकात की थी तो मिल नहीं पाए। पार्क में बिल्कुल ऐसे एक गोल चक्कर टाइप में बनाया हुआ है इस नदी को। ये है यहाँ पे ब्रिज और ये फाउंटेन लगे हुए हैं, इसमें रंग बिरंगी लाइट जलती हैं शाम के टाइम में। और लेजर का जो शो होता है वो होता है यहाँ पे 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक, तो वो मिस कर दिया है हमने, नहीं आ पाए थे कल। और संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लेज़र लाइट का जो व्लॉग्स होगा वो आपको हम यहाँ पे देंगे। ये साइड में ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स चारों तरफ ही ऑलमोस्ट, ये इधर वाला एरिया खाली, वहाँ पे जो है परी और गौरी घूम रहे हैं। और ये मौसम में धुंधलाहट क्योंकि सर्दी हो रही है, सर्दी की वजह से पार्क की ग्रीनरी थोड़ा सा कम है क्योंकि सर्दी की वजह से जो है घास जो है फूक जाती है, इसी वजह से यहाँ थोड़ा ग्रीनरी कम। और यहाँ पीछे एक स्टैचू बनाया हुआ है और उसमें एक बच्चा है, तो सिंपली इसका पता चल जाता है कि ये माँ और माँ का बच्चे के लिए प्यार जो है वो सारा कुछ यहाँ दिखाया गया है। पे श्लोक लिखे हुए हैं और कुछ बनी हुई है माँ के ऊपर तस्वीरें, माँ बेटे के ऊपर। ये है यहाँ शिक्षक और छात्र, यहाँ पे बहुत ऐसी कलाकृति जो आपको आने के बाद मनमोहित कर देंगी कि ट्रस्ट को शो करता है कि हम एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास बनाए रखते हैं। भीड़ आज बिल्कुल भी नहीं है, उसका रीज़न भी है क्योंकि मंडे मॉर्निंग है, संडे को सब छुट्टी करते हैं, तो मंडे ऑफिसली जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस निकलते हैं और जिनको घर पे ही रहना है वो थोड़ा अपने घर के कामों में हो जाते हैं लेट। और ये पीछे का व्यू जहाँ पे आप बैठ के इवनिंग के टाइम में जब यहाँ पे लेजर शो होता है तो उसका मज़ा ले सकते हैं। स्टैंड्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग 6 बजे से पहले ही आके बैठ जाते हैं ताकि वो लेजर शो जो यहाँ चलता है उसका भरपूर आनंद ले सके। अभी हम धीरे धीरे चलते हुए वेद वन पार्क में आगे की ओर। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है क्योंकि लाइट जो है किसी भी चीज़ में चार चांद लगा देती है, तो वही कारण है कि मॉर्निंग में ये एक नॉर्मल पार्क जैसा ही लग रहा है। लेकिन अगर आप आएंगे यहाँ इवनिंग में, अगर सर्दी है 5 बजे आ जाएंगे, ये यहाँ पे शंख बना हुआ है और कुछ कुछ उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, तो
तो मॉर्निंग में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। रीज़न कि वेद वन ये जो पार्क है, ये मैन जो है, क्यों इसको लोग इतना क्राउड आ रहा है यहाँ पे आजकल, कि यहाँ लेजर शो जो होता है ना, वो हर कोने में लेजर शो होगा, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऐसे लगेगा कि आप किसी वेस्टर्न कंट्री में आ गए, दुबई साइड में। तो वो लेजर शो का नज़ारा यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। मार्बल से बनाई हुई ये कलाकृति, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और एग्जिट भी। शायद जब क्राउड यहाँ पे बढ़ता होगा उस टाइम पे इसको चालू करते होंगे, नहीं तो पीछे से ही है जहाँ से हमने एंट्री किया। ये देखो यहाँ पे ये लोहे के पाइप से बनाया हुआ है ये स्टैचू, और उसमें पानी यहाँ गिरते हुए, ये फाउंटेन लगे हुए हैं, इन्हीं में होता है लेजर शो, जो कि इवनिंग में 6 से 6:30 बजे तक होता है। और ये यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, गर्मी में आओ तो छाया के लिए टेंट टाइप का, बहुत खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। नोएडा में ये आपको जगह जगह मिल जाएंगे देखने के लिए। पे ऋग्वेद, वेदों का वर्णन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये कलाकृति बनाई हुई है, और यजुर्वेद। आगे चलेंगे सामवेद, अथर्वेद, और यहाँ पे पूरा डिटेल ऋग्वेद में क्या क्या है, यजुर्वेद में क्या क्या है, सामवेद में क्या क्या है, और अथर्वेद में क्या क्या है उसकी बारी। मेरे राइट साइड में इन्होंने स्टैंड्स बना रखा है, स्टैंड्स में आप इवनिंग में मजा ले सकते हैं लेजर लाइट का बड़े आराम से, क्योंकि जहाँ पे लेजर लाइट शो होता है बिल्कुल उसी के सामने है स्टैंड्स। यहाँ पे देखो ये स्टील की सीट कटी हुई है, और उस सीट की बनाई हुई है, इसमें संस्कृत के श्लोक्स लिखे हुए हैं और उसको वेल्डिंग करके चिपकाया हुआ है, जो देखने में बहुत यूनिक लग रहा है और बहुत शार्प भी होगा। अगर आप यहाँ आए तो इस पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि आपके हाथ में इंजरी होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ये सीट जो है बहुत शार्प होती है। यहाँ सामने पार्क के अंदर ही बनाया हुआ है जिम, तो आप यहाँ संडे में बहुत सारे बच्चे जिनको जिम करना है वो जिम भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में आसपास के सोसाइटी के लोग आते हैं यहाँ पे, और संडे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मज़े भी करते हैं। ये अश्वकैया घोड़ा बना रखा है इन्होंने, स्टील का है, बहुत यूनिक लग रहा है, और कैसे बनाया होगा इंजीनियर ने, हर पॉइंट पे इसमें वेल्डिंग का काम किया हुआ है। ये धूप से बचने के लिए गर्मी में यूनिक और गोल गोल छाते। यहाँ पे 4 स्तंभ लगे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे परी मेरी गोद में ऊपर ये डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, एक ट्री के पत्ते के जैसे, यहाँ बहुत यूनिक लग रहा है। और मेरे साथ में पूजा, फाइनली पूजा ने अभी मेरे को ज्वाइन किया है। हम अलग अलग घूम रहे थे क्योंकि टाइमिंग बचा है यहाँ कम, गार्ड जैसे ही 12 बजेंगे विसल बजाना शुरू कर देंगे निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ टाइमिंग जो है वो बहुत अजीब सा दे रखा है, मॉर्निंग में 6 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक, तो ऑलमोस्ट जो है 11 घंटे ये पार्क ओपन रहता है। ये सारे शिष्य ध्यान में लगे हुए हैं, यहाँ पूजा फोटोशूट में लगी हुई है, और ये है गुरुजी। हमारे पार्क का मेन पॉइंट है, यहीं से सामने से होती है एंट्री। इसमें असल में पार्क में 4 अलग अलग डायरेक्शन से एंट्री है, तो हर दिशा से आप एंट्री कर सकते हैं। हम जो आए हैं मेन रोड की तरफ से आए हैं, अभी टाइम हो चुका है, 10 मिनट बचे हैं, तो पार्क से निकलते निकलते हमें उतना टाइम लग जाएगा, तो अभी हम निकल रहे हैं एग्जिट की तरफ, क्योंकि गार्ड जो है विसल बजाना कर दिए हैं यहाँ पे स्टार्ट, और हो सकता है आने वाले टाइम में इस पार्क में एंट्री टिकट भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहने लग गया है वीकेंड्स में, और उसको मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है सिक्योरिटी लगती है, गार्ड्स लगते हैं, साफ सफाई लगती है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ भी लगे एंट्री टिकट, लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो ये हाथों को ऐसे एक पक्षी को कैरी करते हुए, आज का दिन सैटरडे के जैसे
ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। परी इधर देखो, परी भी वैसे ही, ना ज़्यादा एक्टिव ना ज़्यादा शांत। हमने इसे पार्क में पैदल दौड़ा दिया तो ये थक गई, तो अभी इसको गोद में से उतार रहे नीचे तो उतर नहीं रही है। छोटी सी है, 2 साल की, तो हम कई बार है वीडियो बनाने के चक्कर में इसको नीचे छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, अभी हमने इसे टांगा हुआ है गोद में। और यहाँ पे देखो, ये कुछ कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे लोहे के चौकोर लगे हुए हैं एंगल, और उसमें कुछ कुछ इन्होंने कलाकृति करी हुई है जो कि देखने में लगेगी आपको बहुत खूबसूरत और 4 चांद लगा देगी आपको तब जब यहाँ पे आप आओगे इवनिंग में। मॉर्निंग में आओगे तो आपको नॉर्मल ही ये दिखाई देगा एक पार्क की तरह, लेकिन जैसे ही इवनिंग में आओगे तो यहाँ पे जो है एकदम आपको जादू फील होगा वीडियो देखने के बाद। सनातन धर्म के ऊपर बना हुआ ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय दिल्ली NCR के लोगों में। फाइनली हम पार्क से ऑलमोस्ट बाहर की तरफ आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हम पूरा पार्क घूम लिए हैं। मॉर्निंग में आप यहाँ आते हो तो एकदम नॉर्मल पार्क की तरह दिखता है, जैसे ही आप यहाँ इवनिंग में आओगे लेजर शो शुरू होगा तो यहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि एकदम से 1 मिनट के अंदर यहाँ का माहौल इतना कैसे बदल गया। और धीरे धीरे हम पार्क से ऑलमोस्ट ये पार्किंग का पॉइंट आ चुका है, पार्क हमारे पीछे रह चुका है, वेदवन पार्क पार्किंग जोन में हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो ये खड़ी हुई है हमारी बाइक, तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों में कर दे शेयर, चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।